हेलो एंड वेलकम आज के इस वीडियो में एक और क्वेश्चन uh, है आई आई टी ट्वेंटी ट्वेंटी से क्वेश्चन uh, बेस्ड है सम ऑफ द सीरीज पे ठीक है क्वेश्चन uh, देखे रखा है सपोज दैट एस इज द सम ऑफ द कन्वर्जन सीरीज समेशन एन गोज फ्रॉम वन टू इनफिनिटी ए सब एन डिफाइन टी एन टू बी ए सब एन प्लस ए सब एन प्लस ए सब एन प्लस टू देन सीरीज दिस हमने इसका देखना है कि ये कन्वर्ज करेगी डाइवर्ज करेगी अगर कन्वर्ज करेगी तो किस नंबर को कन्वर्ज करेगी ठीक है सबसे पहले यहां पे है कि गिवन इज एस इक्वल समेशन ए सब एन एन इज फ्रॉम वन टू इनफिनिटी ठीक है तो ये तो पहले है गिवन ठीक है उसके बाद जो आप देखोगे हमने कैलकुलेट करना है टी एन का देखना है समेशन टी एन एन इज फ्रॉम वन टू इनफिनिटी दैट विल बी समेशन एन फ्रॉम वन टू इनफिनिटी ए एन प्लस ए एन प्लस वन ए एन प्लस टू ये है समेन ऑफ टी एन अगर ये देखोगे इट इज डायरेक्टली ये जो दे के रखिए ए एन विच इज कन्वर्जेंट फिर यहाँ पे जब आप देखोगे ये वाली सीरीज देखोगे इसको मैं अगर पहले ऐसे लिख दू सम प्लस समेन ए सब एन प्लस वन एन इज फ्रॉम वन टू इनफिनिटी देन समेन इनफिनिटी पे प्लस पहले चेक करना है क्या कन्वर्जेंट है कि नहीं है? अगर ये देखोगे दिस इज ए कन्वर्जेंट सीरीज ठीक है ये देखे रखिए अब ये वाली जो सीरीज है ये जब आप सब्सटूट uh, करना स्टार्ट कर दोगे इट विल कम आउट बी ए थ्री ए फोर ऐसे ऐसे तो इसमें एक टर्म डिलीट हुई दन और हमें पता है डिलीशन अगर आप कोई सी भी टर्म फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी कन्वर्जेंट uh, सीरीज से डिलीट करते हो तो उसके बिहेवियर पे कोई चेंज नहीं आता तो उस रिजल्ट से ये भी कन्वर्जेंट अब इसमें से दो निकाली गई है एक तो ए वन और एक ए टू जब आप इसमें सब्सिटूट करने जाओगे इट विल कम आउट बी ए थ्री ए फोर सोन तो फिर से वही रिजल्ट कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है उसमें से हम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ओमिट करते हैं तो उसके जो बिहेवियर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है तो उससे ये फिर से कन्वर्जन और सम ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज पॉजिटिव नंबर्स इज अगेन व्हाट कन्वर्जेंट सीरीज तो पहली बात कि ये कन्वर्जेंट है टी एन तो ऑप्शन नंबर वन गलत ये नहीं आएगा अब हमने देखना है ये कन्वर्ज किसको करेगी अभी देखो इसका सम आपको पता है दैट इज यस ठीक है अब इसको मैं लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकता हूं ये आप देख सकते हो इट इज ए टू ए थ्री प्लस सो वन ठीक है ऐसे ही है, ये ए वाली सीरीज जो है ये ए थ्री ए फोर ए फाइव प्लस सो वन अब लिखने के लिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ इफ आई एट द टर्म ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस सो वन वो टर्म लास्ट वाली ए वन जो है ना वो सब ट्रैक भी कर रहा हूँ एड भी कर रहा हूं इसी तरीके से यहां पर भी ए वन ए टू ए थ्री चलता जाएगा लास्ट पे ए वन और ए टू बाहर ठीक है तो अगर आप यहाँ पे देखोगे दिस इज एस प्लस यहाँ से ये इन्फिनिटी तक दैट इज एस अगेन रहा ए माइनस ए वन प्लस ये फिर से एस फिर और साथ में माइनस ए वन माइनस ए टू एस प्लस एस प्लस एस दैट इज थ्री टाइम्स एस नेगेटिव ए वन नेगेटिव ए वन दैट इज टू टाइम्स ए वन एंड देन ए दिस इज द सम ऑफ दिस टी एन सो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट रहेगा ठीक है थैंक यू